चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान के सीएम के ऊपर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी 3 दिसंबर को पोल काउंटिंग डे के बाद से अभी तक राजस्थान के सीएम का नाम अनाउंस नहीं हुआ था, जो कि आज विधायक दल की मीटिंग के बाद में साफ हो चुका है। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दो डेप्यूटी सीएम बनाने की बात की गई है। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा विल बी द डेप्यूटी सीएम। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बनाई गई। चल, फर्स्ट टाइम एमएलए भजन लाल शर्मा टू बी द न्यू राजस्थान चीफ मिनिस्टर। पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा और उन्हें राजस्थान का न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात किया जाए इनकी उम्र के बारे में तो 55 वर्ष के ये उम्र के हैं। शिक्षा इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन। विधानसभा सीट सांगानेर जयपुर, पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और चुनाव जीते। भरतपुर में जिला मोर्चा के अध्यक्ष पर पद पर भी रहे। भाजपा के 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री रहे राजस्थान के न्यू चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी। ही बिकेम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। काफी चर्चा हुई थी, वेरियस नेम्स की चर्चा रही थी यहाँ पर। बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे जी एंड मैनी अदर्स के नामों की चर्चा रही राजस्थान के अंदर, लेकिन अंततः भजन लाल शर्मा जी को न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। दिया कुमारी जी अलोंग विद जेपी नड्डा, यू कैन सी द पिक्चर्स, शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान। चले बात करते हैं 2018 के अंदर क्या समीकरण रहे थे राजस्थान के। 2 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही थी, जिसके चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत जी। बीजेपी के पास में 73 सीट्स रही थी और 27 अदर्स कैंडिडेट्स के पास में। टोटल 200 सीट्स के ऊपर 2018 के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट हुए। 2023 के अंदर अगर हम बात करें 199 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट हुए, जिसमें 115 सीट बीजेपी ने प्राप्त की। 70 सीटों पर सिमट कर रह गई यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और 14 अदर्स सीट्स रही। चलिए, वसुंधरा राजे जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, इनके नाम पर भी काफी चर्चा रही। जलारापटम से ये विधायक चुनी गई। इनकी उम्र 70 है। एजुकेशन बीए ऑनर्स। इनकम इन्होंने सेल्फ डिक्लेयर कर रखी थी 12,68,870। तो काफी समय तक वसुंधरा राजे जी का वर्चस्व रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। साथ ही बाबा बालकनाथ, महंत बालकनाथ जो तिजारा से पहली बार विधायक बने यहां पर, उनके नाम पर भी काफी चर्चा और विमर्श रहा कि इन्हें भी सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन एंड मोमेंट पर आपने देखा कि पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति दी गई है। चलिए बात करते हैं यहां पर एक और राज्य के बारे में। बीजेपी स्प्रिंग्स अ सरप्राइज, पिक्स मोहन यादव एज अ न्यू मध्य प्रदेश सीएम। ठीक है, 3 राज्यों के चीफ मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इससे पहले सेशन के अंदर हमने बात किया था मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के बारे में एंड तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के बारे में। अभी हम बात करें यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बारे में। ब्रिंगिंग अ मेजर सरप्राइज, द बीजेपी ऑन मंडे इलेक्टेड उज्जैन दक्षिण सीट से एमएलए मोहन यादव जी को लेजिस्लेटर पार्टी लीडर एंड द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां पर शिवराज सिंह जी चौहान का चौथा टर्म का सपना सपना ही रह गया है, क्योंकि मिस्टर यादव जी जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, न्यू बीजेपी गवर्नमेंट के 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स आपको दिखाई देंगे। मलगढ़ एमएलए जगदीश देवड़ा अदलित एंड रेवा एमएलए राजेंद्र शुक्ला, डेट इज अ ब्राह्मण। तो यहां पर द हिंदू के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यू कैन सी द न्यूज कि जगदीश देवड़ा जी एंड राजेंद्र शुक्ला 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल राजस्थान के अंदर जैसा हमने देखा 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, उसी तर्ज पर यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भी 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है।
क्वेश्चन राइजेस ओवर फ्यूचर ऑफ शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह जी चौहान के फ्यूचर के रिगार्डिंग यहां पर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं आपके समक्ष न्यू चीफ मिनिस्टर मनोज यादव जी अलोंग विथ शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने पहले अपने 3 टर्म कंप्लीट किए मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए। चलिए यहां पर वेरियस डिग्निटरीज मौजूद है बीजेपी गवर्नमेंट्स के, बीजेपी के चेहरे जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी की करंट गवर्नमेंट के अंदर, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर इस्तीफा दिया एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। साथ ही में मनोहर लाल खट्टर जी आपके समक्ष हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान यहां पर मनोज यादव जी की ताजपोशी करते हुए। अगर हम बात करें 2018 के अंदर क्या समीकरण रहे मध्य प्रदेश के, 114 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हासिल की थी और 109 सीट बीजेपी के पास में रही थी, लेकिन यहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति के रूप में बीजेपी ने सपोर्ट लिया अदर कैंडिडेट से और बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्म किया। 200 सीट के लिए यहां पर 116 सीट रिक्वायर्ड थी मेजोरिटी मार्क के लिए, जो बीजेपी ने हासिल करी यहां पर वेरियस अदर कैंडिडेट्स को ज्वाइन कर। चलिए करंटली बात किया जाए 2023 के अंदर जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए 2230 सीट के ऊपर और बीजेपी के पास में वूपिंग मेजोरिटी आया, 163 सीटों का मेजोरिटी आया यहां पर बीजेपी के पास में और कांग्रेस महज 66 सीट पर सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुडनी से सीट से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नियुक्त किए गए। इनकी 64 एज है, एमए इनकी ग्रेजुएशन है, 32,63,573 इनकी इनकम बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। विष्णु देव साई टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल, यहां पर भूपेश बघेल की गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है विष्णु देव साई को। अब रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने यहां पर मेजोरिटी मार्क हासिल किया और न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है विष्णु देव साई जी को। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। ही सर्वड एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी फ्रॉम द 2020-2022। ठीक है, ही इज द छत्तीसगढ़ सेकेंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर आफ्टर अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी के बाद में छत्तीसगढ़ के दूसरे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं विष्णु देव जी। He began his political career as a member of Madhya Pradesh Assembly between 1990-98 before Chhattisgarh was carved out of Madhya Pradesh. इन्होंने 4 consecutive Lok Sabha elections win किए रायगढ़ constituency से 1999 से लेकर 2014 के बीच में, और बीजेपी पीएम मोदी की गवर्नमेंट के अंदर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील भी सर्व कर चुके हैं। चलिए विष्णु देव साई चूजन एज अ न्यू छत्तीसगढ़ सीएम। द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक बात करें यहां पर ट्राइबल लीडर एंड बीजेपी वेटरन यूनेनिमसली सेलेक्टेड एज द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर एट अ मीटिंग इन द रायपुर। न्यू कैबिनेट टू हैव अ ड्यू 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड रमन सिंह विल बी द स्पीकर। चलिए द भारतीय जनता पार्टी ऑन संडे चूजेस द विष्णु देव साई एज अ चीफ मिनिस्टर एंड ही विल बी द सेंट्रल इंडियन स्टेट्स 4th चीफ मिनिस्टर, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड द पोस्ट। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीट एट पार्टी हेडक्वार्टर्स एट रायपुर। चलिए देख सकते हैं यहां पर गवर्नर को अपना पेशकश करते हुए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए विष्णु देव साई जी। बात करते हैं क्या समीकरण रहे थे 2018 के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। चलिए 68 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में रही थी आउट ऑफ 90 असेंबली सीट्स, 15 सीट्स बीजेपी के पास में और 7 विद द अदर्स, और टोटल 90 सीट्स। मेजोरिटी मार्क कितना रहेगा 46, दैट इज हाफ प्लस 1। 2023 के अंदर समीकरण किस तरीके से बदले, 90 सीटों के ऊपर 54 सीट्स बीजेपी ने प्राप्त किया, 46 मेजोरिटी मार्क था, 35 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में रही। द चेंजिंग कलर्स ऑफ इंडिया 2021 के अंदर 3 राज्यों के सीएम्स थे कांग्रेस से बिलोंग करते थे, इन गवर्नमेंट 3 थी, बीजेपी गवर्नमेंट के सीएम्स थे यहां पर 12 और 6 राज्यों के अंदर गवर्नमेंट हुआ करती थी।
2022 के अंदर अगर समीकरण के बारे में बात करें, बीजेपी के सीएम थे 11 और गवर्नमेंट थी 6 राज्यों के अंदर, और कांग्रेस के बारे में हम बात करें 3 राज्यों के अंदर सीएम थे और गवर्नमेंट थी 3 राज्यों के अंदर। अगर यही हम बात करें 2023 के अंदर, तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं 12, गवर्नमेंट है 6, और चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस के बारे में बात करें तो 3-3 के ऊपर सिमट कर रह गया। तो 5 राज्यों के इलेक्शंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो रहे थे चीफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, वो आज के दिन सभी समाप्त हो गए। डिसीजन 2023 असेंबली इलेक्शन, अ लुक एट द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 5 स्टेट्स दैट रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस। मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए मध्य प्रदेश के, भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, विष्णु देव साई जी छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, और पहली बार मिजोरम की जोरम पीपल मूवमेंट्स लालडू होमा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। चलिए, तो ये यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे दिसंबर 2023 के असेंबली इलेक्शंस 5 राज्यों के। चलिए बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या हायर की रहता है, जुडिशरी के बारे में बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के पार्ट के बारे में हम बात करें, यूनियन के अंदर आता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर में आपके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, यूनियन एंड स्टेट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट 3 लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर आपका पार्लियामेंट कंप्लीट होता है। वेरियस आर्टिकल्स बात किया जाए यहाँ पर, आर्टिकल 163, द गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर से हेडेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं यहाँ पर गवर्नर को। आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग बात किया जाए, न्यू चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जी बिल्कुल, राज्य के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई जाती है, और चीफ मिनिस्टर लेटर रिकमेंड्स गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 167 के अंतर्गत बात किया जाए, चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दैट आर टेकन अप बाय हिम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी डिसीजन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी कम्युनिकेट करने होते हैं यहाँ पर गवर्नर को, ऐसा आर्टिकल 167 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया गया है। चलिए, दिस आर द वेरियस आर्टिकल्स रिलेटेड विद द गवर्नर। आर्टिकल 153 प्रोविजंस फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, 154 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म्स ऑफ द ऑफिस 156, 157 इज द क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर दैट इज एज, मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 30।